हाय गाइस, दिस इज आरजे अंकुर। गाइस, आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि टिकटॉक पर जो मेरा भाई है उसकी शादी नहीं हो पा रही है। पूछो क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि वो टिकटॉक पर है, बीट ट्रुथ। और जितने भी शादियां, जितने भी उसके रिश्ते आए हैं, वो जब भी कोई रिश्ता आता है तो उतनी वीडियोस जो है उस लड़की को भेज देता है, और लड़की साफ साफ मना कर देती है कि मैं टिकटॉकर वाले से शादी नहीं करूंगी। इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग लेके बैठे हैं जनाब, फिर भी शादी से मना कर दिया। भाई साहब, लोचा है। टिकटॉकर वालों, संभल जाओ, शादी नहीं होने वाली। ये सच है कि ये मेरा भाई है, और आप इसकी वीडियो देख सकते हैं, ये वीडियोस हैं। बात तो आगे बढ़ी गई है क्योंकि भाई साहब की शादी नहीं हो पा रही है। तो जो YouTube और टिकटॉकर्स पर जो बहस छिड़ी हुई है कि उसकी कॉमेडी इतनी अच्छी है, उसकी कॉमेडी इतनी अच्छी है, तो भाई साहब, मैं भी एक छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ, और मैं आपको बता दूं कि एक छोटा मोटा यूट्यूबर भी एक अपना खर्चा इजी चला सकता है, लेकिन एक यूट्यूबर, एक टिकटॉकर, सॉरी, एक यू टिकटॉकर वो अपना खर्चा नहीं निकाल सकता। 15 सेकेंड की वीडियो, और आप सोच रहे हैं कि पैसे कमाने लग जाएंगे? नहीं, कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी है टिकटॉक पे कि वो एक अच्छी फैन फॉलोइंग लेके अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन भाई साहब संभल जाओ, बड़ा बुरा होने वाला है। वक्त बुरा है, वैसे ही कोरोना चल रहा है, और एक यूट्यूब जो टिकटॉक है वो भी एक कोरोना टाइप ही है, क्योंकि भाई साहब, भाइयों की शादी नहीं हो पा रही है। कसम से एक विनती है कि टिकटॉक वालों, अगर शादी करनी है तो प्लीज छोड़ दो, मान जाओ, क्योंकि एक यूट्यूबर अपनी आवाज देकर भी अपने पैसे, एक घर चला सकता है, अपना घर चला सकता है, लेकिन टिकटॉक वाले नहीं चला सकते। दिस इज आरजे अंकुर, जय हिंद।